वेलकम अगेन टू लक्ष्य एकेडमी। जैसा कि हमने साइंस की हम चार यूनिट कर चुके हैं, मैं बार बार बताता हूँ, हर एक में यूनिट के नाम भी बताता हूँ। पहली जो हमने यूनिट करी थी वो एसआई यूनिट के बारे में करी थी। दूसरी जो हमने यूनिट करी थी वो गति के बारे में। तीसरी जो हमारी यूनिट थी वो वर्क एनर्जी एंड पावर। और जो फोर्थ हमारी यूनिट थी वो थी हमारी ग्रेविटेशन के बारे में। तो नेक्स्ट जो हमारी जो यूनिट आती है वो आती है तरंगे, वेव्स। अब देखो, इस यूनिट को शुरू करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वेव होती क्या है। देखो, आपने जनरली वेव का जो मीनिंग है वो लहरें भी कह सकते हैं। जैसे पानी में आपने लहरें देखी होंगी, कैसे आती है, ऐसे आती हैं, ऐसे उठ के आती हैं लहरें। तो लहरें जब आती है तो वेव भी जो होती है वो ऐसे ही चलती है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि वेव होती क्या है। वेव एक प्रकार के वाइब्रेशंस हैं। क्या है? एक प्रकार के वाइब्रेशंस है। जैसे आपने स्प्रिंग को देखा होगा, ऐसे हिलता रहता है, तो उसमें से क्या पैदा होती है? कंपन। कंपन के कारण वेव्स पैदा होती हैं। जैसे आपने पानी में कभी पत्थर फेंका होगा, पत्थर के कारण वो नहीं लहरें सी वो नहीं बनती हैं, वो सब क्या होती हैं? वेव होती हैं। अच्छा, जो वेव को कि अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, तो वेव जब किसी स्रोत जब वाइब्रेट करता है तो उससे जो कंपन पैदा होता है, उस कंपन के कारण जो ऊर्जा होती है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? तरंगे कहते हैं। तरंगों की फॉर्म में वो ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है। जैसे टावर तो वहीं खड़ा रहता है, लेकिन आपके मोबाइल में रेंज रहती है, वो कैसे रहती है? वहां से कोई ना कोई तरंग तो आती होगी ना आपके फोन के पास। तो तरंगे कभी भी, सोर्स जो होता है वो कभी भी चलकर नहीं जाता है। जैसे टावर है, टावर कभी भी चल के नहीं जाता है। इससे क्या होती है? तरंगे, इस तरह से कुछ तरंगे पैदा होती है, जो कि एक्चुअल अगर बेसिक देखें तो वो कुछ इस तरह से चलती है, इस तरह से। तो ये तरंगे आपके पास आती है, ना कि सोर्स चल के आता है। यानी तरंगे किसी स्रोत से उत्पन्न हुई वो वाइब्रेशंस हैं जो आपके पास एनर्जी की फॉर्म में एक स्थान से दूसरे स्थान पर आती हैं। ये तो हुई वेव की डेफिनेशन, ठीक है। अब वेव जिस गति के द्वारा आपके पास आती है, जिस स्पीड से आपके पास आती है, उसे हम लोग कहते हैं वेव की गति। क्या कहते हैं उसे? तरंग गति कहते हैं, ठीक है। अब जो वेव जो बनी होती है, वेव को बिल्कुल बारीकी से पढ़ेंगे। जो वेव होती है वो एक्चुअल में कुछ इस तरह की होती है। यानी उसकी दो डायरेक्शन होती है, एक तो पॉजिटिव डायरेक्शन और एक होती है नेगेटिव डायरेक्शन, ठीक है। तो और बीच में सेंटर लाइन होगी, इसको हम जीरो कह सकते हैं। वेव कुछ इस तरह से चलती है, अगर एक्चुअल में हम अगर देखें तो वेव कुछ इस तरह से चलती है, ठीक है। ये एक तरह का साइकिल हो गया, मतलब जो ये एस आकार की जो बनती जा रही है, ये क्या है? वेव है। अब वेव को पढ़ने के लिए, जैसे ये वाला टॉप हिस्सा है, इसको हम क्रस्ट कह देते हैं, चोटी कह लो, एक तरह से श्रिंक कह लो। अच्छा, नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगी। देखो, किसी भी चीज, मान लो कि ये एक सोर्स है, इस सोर्स से कोई चीज निकलेगी, वो ऊपर भी जाएगी और नीचे भी जाएगी। यानी बीच जहां सेंटर से जो निकली है वो वाला पार्ट तो हो गया जीरो। ऊपर वाली डायरेक्शन को हम पॉजिटिव कह देते हैं, नीचे वाली को क्या कह देते हैं? नेगेटिव कह देते हैं, ठीक है। तो क्रस्ट हो गया ऊपर वाला हिस्सा, और गर्त हो गया हमारा, ट्रफ कह देते हैं नीचे वाला हिस्सा हो गया, ठीक है। अब एक वेव है, जैसे ये वेव है। अब इस वेव के कुछ मेन पार्ट होते हैं। जैसे एक तो वेव का मेन पार्ट होता है तरंग दैर्ध्य। क्या होता है? तरंग दैर्ध्य। यानी इसको कहते हैं हम लोग वेव लेंथ। क्या कहते हैं? वेव लेंथ। वेव लेंथ जैसे नाम ही शो कर रहा है, वेव लेंथ, द लेंथ ऑफ द वेव, वेव लेंथ, यानी वेव की लंबाई को हम लोग क्या कहते हैं। जैसे अब ये वेव है, कितनी दूर तक जाएगी ये उसकी क्या कहलाएगी? वेवलेंथ कहलाएगी, वेव की लंबाई कहलाएगी। मान लो कि ये एक वेव है, सिर्फ यहां तक है, तो यहां से लेके और यहां तक के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहेंगे? तरंग दैर्ध्य कहेंगे। क्या कहेंगे? तरंग दैर्ध्य, यानी वेवलेंथ। और इसको, वेवलेंथ को हम लोग किससे शो करते हैं? लैम्डा। इसको क्या कहते हैं? लैम्डा। लैम्डा से शो करते हैं। दूसरी चीज, इसका एसआई मात्रक क्या है? ये मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, इसका एसआई मात्रक क्या है? एंगस्ट्रोम। क्या है? एंगस्ट्रोम। जिसको अभी तक भी एसआई मात्रक याद नहीं है, वो हमारा पहला लेक्चर देख सकते हैं, जिसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ एसआई यूनिट्स बताई हैं। हर क्वांटिटी की एसआई यूनिट बताई गई है, जिसमें एक क्वांटिटी आती है तरंग दैर्ध्य, जिसका एसआई मात्रक क्या है? एंगस्ट्रोम है। अब एंगस्ट्रोम डिटेल में क्या होता है? एंगस्ट्रोम का एक्चुअली में मतलब होता है 10 की पावर -10 मीटर।
यानी ये बहुत छोटी होती हैं। इसको मेजर किस में करते हैं हम लोग, एंगस्ट्रॉम में बताते हैं। जैसे लाइट हमारे पास आती है ना, लाइट की जो तरंग दैर्ध्य होती है वो 3900 एंगस्ट्रॉम से लेके 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है, जो हमारे पास प्रकाश आती है। और प्रकाश की जो खोज है वो किसने करी थी, न्यूटन ने करी थी। वो हम सब ये सारी चीज़ें डिटेल में आने वाली हैं इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। लेकिन अभी हम क्या करें, तरंग के पार्ट करें। तरंग के हम तीन पार्ट कर चुके हैं, एक तो तरंग की चोटी क्या होती है, तरंग की तली क्या होती है मतलब बॉटम गर्त, और तरंग दैर्ध्य क्या होती है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है कि आवर्ती क्या होती है, आवर्ती। अब देखो, आवर्ती को इंग्लिश में कहते हैं फ्रीक्वेंसी। क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, आवर्ती का मतलब होता है कि एक सेकंड में कोई तरंग अपने आप को कितनी बार रिपीट करती है, यानी एक सेकंड में ये तरंग कितने टर्न ले लेती है, वह उसकी क्या कहलाती है, आवर्ती कहलाती है। यानी नंबर ऑफ साइकल्स, नंबर ऑफ एस साइकल्स टेकन इन वन सेकंड, कितनी सेकंड में, एक सेकंड में जितने ये साइकिल ले लेती है, नंबर ऑफ रिपीटेशंस, वो क्या कहलाती है, उसकी आवर्ती कहलाती है। और आवर्ती का SI मात्रक क्या है, हर्ट्ज है, जो कि ये मैं पहले बता चुका हूँ, सिंबल HZ है। और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, एक टेढ़े वी को, वी को इसको कहते हैं न्यू। क्या कहते हैं इसको, न्यू से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि आवर्ती का SI मात्रक क्या है और आवर्ती होती क्या है। जैसे अगर कहीं पे ये लिखा जाए ना कि जैसे हमारी जो घरों में लाइट आती है उसकी आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, 50 हर्ट्ज का मतलब है, हर्ट्ज क्यों लिया, क्योंकि हर्ट बीट इस तरह से चलती है, ठीक है। तो हर्ट्ज का मतलब है कि एक सेकंड में ये वेव कितने टर्न ले रही है, 50 टर्न ले रही है, कितनी टर्न ले रही है, 50। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ कि इसकी आवृत्ति 220 हर्ट्ज है, इसका मतलब है एक सेकंड में इसकी क्षमता कितनी है, 220 टर्न लेने की है। तो हर्ट्ज का मतलब ये होता है कि कितने हर्ट उसने क्या कर लिया, कितने साइकिल पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन में वो चली गई है। एक तो ये पॉइंट, चार पॉइंट हो गए, ये याद रखने हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है हमारा, वो क्या आता है कि आवर्त काल क्या होता है, टाइम पीरियड। आवर्त काल को हम लोग क्या कहते हैं, टाइम पीरियड। टाइम से पता चल रहा है कि भाई समय काल, समय काल से क्या मतलब है कि इस वेव को अपना रास्ता तय करने में या एक साइकिल तय करने में जितना टोटल समय लगता है वह उसका क्या कहलाता है, आवर्त काल कहलाता है। इसको कैपिटल टी से तो रिप्रेजेंट करते हैं। समय का SI मात्रक आपको पता ही है, एक तो सेकंड होता है, दूसरा ये आवृत्ति के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी इसका फॉर्मूला हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/ν। और इसको हम लोग दोबारा ऐसे भी लिख सकते हैं कि न्यू इज इक्वल टू 1/T। ये किसका फॉर्मूला है, न्यू का, यानी ये तो आवर्ती का हो गया और ये किसका हो गया, यानी एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। नेक्स्ट जो इसके अंदर मेन टर्म आती है वो आती है तरंग गति या तरंग का वेग या वेव वेलोसिटी। इसको क्या कहते हैं, वेव वेलोसिटी। आपको पता है कि गति क्या होती है, गति वो होती है जब कोई वस्तु क्या कर लेती है, दूरी तय कर लेती है एक निश्चित समय में। सेकंड चैप्टर है मोशन वाला, जिसको नहीं पता कि गति क्या होती है वो सेकंड चैप्टर देख सकते हैं। गति क्या होती है कि जब कोई वस्तु एक समय के साथ गति तय, तो तरंग जितने समय में दूरी तय करेगी वह उसकी क्या कहलाएगी, उसकी गति कहलाएगी। तो इसको हम लोग लिखते हैं वी से, स्मॉल वी से। और ये क्या होती है, हमारी दूरी लिखते हैं हम लैम्डा से, यानी कितनी वो डिस्टेंस वेवलेंथ, और डिवाइड बाय टी। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लैम्डा मल्टीप्लाई बाय 1/T। और पिछले अभी हमें थोड़ी देर पहले हमने फॉर्मूला लिखा था कि वी इज इक्वल टू लैम्डा इंटू न्यू, हम इसका फॉर्मूला ऐसे भी लिख सकते हैं, ये थोड़ा टेढ़ा रहता है वी। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा लैम्डा इंटू न्यू, यानी तरंग दैर्ध्य और मल्टीप्लाई बाय आवर्ती अगर करोगे तो क्या आ जाएगी, तरंग की स्पीड आ जाएगी कि तरंग कितनी गति से चल रही है। ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे, न्यूमेरिकल्स आएंगे मैं उसमें न्यूमेरिकल में ये फॉर्मूला आपको करवाऊंगा, इसके बारे में इसको उपयोग या यूज कहाँ किया जाएगा। फिलहाल आप याद रखेंगे कि वेव के पार्ट क्या क्या हैं, एक तो वेव का जो पार्ट है वो क्रस्ट है, एक वेव का पार्ट क्या है, गर्त है, दूसरा तरंग दैर्ध्य है, आवर्ती है, समय आवर्त काल है, और क्या है, तरंग गति है। और इसका एक लास्ट जो मेन पार्ट आता है तरंग का, वो क्या आता है,
वो आता है आयाम। क्या होता है आयाम? जो सिक्स्थ पार्ट है आयाम को इंग्लिश में कहते हैं एम्पलीट्यूड। क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है कि कोई भी तरंग अपने एक्सिस से, जीरो एक्सिस से ऊपर कितनी दूर तक जा रही है, यहाँ तक, और नीचे कितनी दूर तक आ रही है, ये इसका क्या कहलाता है? आयाम कहलाता है। क्या कहलाता है? किसी भी तरंग का आयाम कहलाता है, यानी हाइट। किसमें? पॉजिटिव डायरेक्शन में कितनी ऊंचे तक, नेगेटिव डायरेक्शन में कितना नीचे तक जा रहा है, वो उसका क्या कहलाता है? किसी भी तरंग का आयाम कहलाता है, हाइट कहलाती है, एम्पलीट्यूड कहलाता है। तो किसी भी तरंग को पढ़ने के लिए आपको ये उसके सारे पार्ट पता होने चाहिए कि तरंग किन किन पार्ट से मिलकर बनी है। तरंग एक्चुअल में होते क्या है? तरंग एक प्रकार के कंपन है जो कि आपको एनर्जी की फॉर्म में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। ये तरंग की डेफिनेशन है। आई होप सभी को समझ आ गई होगी। अब हम तरंग के बारे में पढ़ते हैं कि तरंगे कितने प्रकार की होती हैं, तरंगे को डिवाइड कैसे किया गया है। जो तरंगे होती, अगर समझ आ रहा है तो लाइक का बटन दबाते जाएं। आई होप सभी को समझ आ रहा होगा। जो तरंगे होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? तरंगे के मेन दो प्रकार हैं। एक तो होती हैं यांत्रिक तरंगे। कौन सी तरंगे? यांत्रिक तरंगे। इंग्लिश में इनको कह देते हैं मैकेनिकल वेव। कौन सी वेव कह देते हैं? मैकेनिकल वेव्स। और एक होती हैं अयांत्रिक तरंगे। कौन सी तरंगे? अयांत्रिक तरंगे। अयांत्रिक तरंगों का मतलब है नॉन मैकेनिकल वेव, नॉन मैकेनिकल वेव। सभी नोट्स बनाते जाएं अपने साथ की साथ। मैकेनिकल वेव और नॉन मैकेनिकल वेव, यानी यांत्रिक तरंगे और अयांत्रिक तरंगे। अब आपको ये पता होना चाहिए कि यांत्रिक तरंगे और अयांत्रिक तरंगों में डिफरेंस क्या है। देखो, इन दोनों तरंगों में जो डिफरेंस है वो क्या है कि जो ये वाली तरंगे होती है इनको चलने के लिए माध्यम की जरूरत होती है। किस चीज की जरूरत होती है? माध्यम। माध्यम मतलब मीडियम। मीडियम कौन कौन से हमारे पास? ठोस, द्रव और गैस। कहने का मेरा मतलब ये है कि ये तरंगे सिर्फ ठोस, द्रव और गैस में चलती हैं। यानी कुछ तरंगे ऐसी होंगी जो ठोस में चलेंगी, कुछ तरंगे ऐसी होंगी जो द्रव में चलती हैं, और कुछ तरंगे ऐसी होती हैं जो गैस में चलती हैं। यानी इन तरंगों को चलने के लिए किस चीज़ की जरूरत होती है? ठोस, द्रव और गैस की जरूरत होती है। अगर मीडियम नहीं होगा तो ये तरंगे चल नहीं पाएंगी। जैसे एग्जाम्पल बता देता हूँ कि एग्जाम्पल क्या है। जैसे ध्वनि तरंगे है, ध्वनि तरंगों को चलने के लिए माध्यम की जरूरत होती है। अगर पृथ्वी से बाहर जाएंगे, निर्वात में जाएंगे, तो ध्वनि तरंगे चल नहीं पाएंगी। वहां ध्वनि तरंगों की जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी, सुनाई नहीं देगी कोई चीज। दूसरा क्या है, जैसे भूकंप हो गया, पानी में उठने वाली लहरें, पानी में लहरें, पानी में जो पत्थर फेंकते हैं उससे उठने वाली लहरें, तो ये वाली तरंगे किस में आती हैं? यांत्रिक तरंगों में आती है। कौन सी तरंगे? यांत्रिक तरंगे वो होती हैं जिनको चलने के लिए किस चीज की जरूरत होती है? माध्यम की जरूरत होती है, ठीक है। अब अयांत्रिक तरंगे कौन सी होती हैं? ये वो तरंगे होती हैं जिनको मीडियम रोक ही नहीं सकता, मतलब इनको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, माध्यम इनको नहीं चाहिए। यानी ये तरंगे कौन सी हैं? जैसे आपने देखी होगी एक्सरे, गामा रेज, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। ये आपने देखा होगा कि आपके फ़ोन में आप अगर तीन चार कमरों के अंदर भी चले जाएंगे, बंद करते जाएंगे उनको, तब भी मोबाइल के अंदर रेंज रहती है। यानी कोई ऑब्स्ट्रक्शन, कोई माध्यम उनको रोकता नहीं है। क्यों नहीं रोकता है? क्योंकि इन तरंगों को चलने के लिए किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं होती। जैसे एक्सरे करवाने जाते हैं, एक्सरे बंदा जब करवाने जाता है तो सारे कपड़े पहन के रखता है, कपड़े उतारने की जरूरत तो नहीं है कि शरीर के अंग देखने के लिए। वो सिर्फ एक लाइटनिंग करता है और क्या करता है, आपका एक्सरे उतर जाता है। इससे क्या साबित होता है कि जो तरंगे होती हैं उनको किस चीज़ की जरूरत नहीं होती। जैसे एक्सरे होगी उनको माध्यम की जरूरत नहीं होती, गामा रेज होगी, यूवी रेडिएशन होगी, लाइट होगी, लाइट भी कहीं भी पहुंच सकती है, माध्यम की जरूरत नहीं होती उनको। रेडियो एक्टिव वेव होगी, ये सारी तरंगे किसके एग्जाम्पल हैं? अयांत्रिक तरंगों के एग्जाम्पल हैं। और कॉमन अगर इनको बोल दूं तो इन तरंगों का एक एग्जाम्पल है, इनको कहते हैं सभी तरंगों को विद्युत चुंबकीय तरंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या कहते हैं इनको? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। विद्युत चुंबकीय तरंगों को चलने के लिए माध्यम की जरूरत नहीं होती।
इनको चलने के लिए किस चीज़ की जरूरत होती है, माध्यम की। अब तो हमने ये पढ़ लिया कि तरंगे कितने टाइप की होती है, दो टाइप की होती है, कौन कौन सी, यांत्रिक तरंगे और अयांत्रिक तरंगे। देखो यांत्रिक तरंगे जिनको चलने के लिए किस चीज़ की जरूरत होती है, माध्यम की। इनको चलने के लिए किस चीज़ की जरूरत नहीं होती, माध्यम की कोई जरूरत नहीं होती, बिंदास चलती है मस्त एकदम, ठीक है। तो अब जो आगे हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है कि यांत्रिक जो तरंगे होती हैं ये आगे फर्दर दो टाइप की और होती हैं। जो यांत्रिक तरंगे होती हैं ये आगे दो टाइप की होती हैं। अब जो आ गया हमारा टॉपिक निकल के क्या है, यांत्रिक तरंगे। अब ये कौन कौन से दो टाइप की होती है, एक तो होती है अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य तरंगे। अनुदैर्ध्य तरंगों को आप कह सकते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव, लॉन्गिट्यूडिनल वेव, और इनको कह सकते हैं आप अनुप्रस्थ तरंग। अनुप्रस्थ तरंग होती हैं ट्रांसवर्स वेव। अब इन दोनों के बारे में पता होना चाहिए कि ये क्या होती हैं। देखो लॉन्गिट्यूडिनल का मतलब है कि मान लो कि कोई तरंग है, ये कोई सोर्स है, इस सोर्स से क्या हो रही हैं, ये तरंगे निकली हैं, ठीक है। अब ये तरंगे दो तरीके से जा सकती हैं, एक तो इस तरीके से जा सकती हैं। लॉन्गिट्यूडिनल का मतलब होता है कि तरंगे सोर्स के एक्सिज के, ये सोर्स है कोई, ये इस सोर्स का एक्सिज है, इस एक्सिज के साथ साथ चलेंगी, मतलब कि उसी दिशा में चलेंगी, इसी दिशा में चलेंगी। तो ये वाली तरंगे तो कहलाएंगी कौन सी तरंगे, अनुदैर्ध्य तरंगे, यानी वो तरंगे जो कंपन की दिशा के अनुदिश चलती हैं, लॉन्गिट्यूडनल चलती हैं, उसी दिशा में चलती हैं, वो तरंगे कहलाती हैं आपकी अनुदैर्ध्य तरंगे। जैसे एग्जांपल ध्वनि, ध्वनि का क्या सीन है कि ध्वनि जब बोलते हैं तो वो अगर हम ऐसे मुंह करके फेस करके बोल रहे हैं तो सीधी जाएगी, अगर ऊपर करके बोल रहे हैं तो ऊपर जाएगी, ऐसा नहीं है कि ध्वनि क्या हो जाएगी, इधर उधर फैल जाएगी। ध्वनि जिसको हम आवाज़ मारते हैं उसी के पास जाती है, मतलब ये किस दिशा में चलती है, जिस दिशा में हम कंपन भेज रहे हैं उसी दिशा में जाती है। तो ध्वनि जो तरंगे हैं वो किसका एग्जाम्पल है, अनुदैर्ध्य तरंगों का। कौन सी तरंगों का, अनुदैर्ध्य तरंगों का। अब बात आती है अनुप्रस्थ तरंगे कौन सी होती हैं, ये तरंगे मान लो कि ये सोर्स है और ये इसका एक्सिज है, यानी वाइब्रेशंस यहाँ हो रही हैं, लेकिन ये चल कैसे रही हैं, ऐसे, यानी उसकी दिशा के क्या चल रही है, परपेंडिकुलर चल रही हैं, लंबवत चल रही हैं। ये वाली तरंगे कौन सी तरंगे कहलाएंगी, अनुप्रस्थ तरंगे। जैसे आपने देखा होगा बिजली का एक बल्ब है, कभी भी उसकी रोशनी ऐसे सीधी नहीं जाती, पूरी फैल के पूरे रूम में फैल जाती है, यानी वो इस दिशा में भी चलती हैं, पूरा फैल के चलती हैं। पर सूर्य से जो प्रकाश आता है वो कैसा आता है, पूरा फैल के आता है। तो ये वाली तरंगे क्या कहलाएंगी, अनुप्रस्थ तरंगे कहलाएंगी। इनके एग्जाम्पल हो जाएंगे भूकंप हो गया, भूकंप से उठने वाली तरंगे हो गई, अर्थक्वेक वाली तरंगे। दूसरा प्रकाश भी एक प्रकार की अनुप्रस्थ तरंग है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों में आता है, लेकिन यहाँ भी डाल सकते हैं इसका एग्जाम्पल कि प्रकाश एक प्रकार की क्या है, अनुप्रस्थ तरंग है। क्योंकि प्रकाश कैसे चलता है, अपने जो सोर्स, जिस सोर्स से प्रकाश निकलता है उस सोर्स से परपेंडिकुलर चलता है, कैसे चलता है, परपेंडिकुलर चलता है। तो प्रकाश भी किस प्रकार की तरंग है, एक अनुप्रस्थ तरंग है, ट्रांसवर्स तरंग है। पानी में उठने वाली जो लहरें हैं वो आपने देखी होंगी, वो कैसे चलती हैं, वो भी बिल्कुल लॉन्गिट्यूडनल चलती हैं, खड़ी चलती हैं बिल्कुल ऐसे, सोर्स जिससे निकलती हैं उससे। तो आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए कि अनुदैर्ध्य तरंगे क्या होती हैं, अनुप्रस्थ तरंगे क्या होती हैं, दोनों तरंगों के बीच में डिफरेंस क्या है, दोनों चलती कैसे हैं, दोनों के एग्जाम्पल क्या हैं। क्योंकि पेपर में पूछे जाते हैं कि बताओ इनमें से अनुप्रस्थ तरंग कौन सी है, बताओ इनमें से अनुदैर्ध्य तरंग कौन सी है। आई होप सभी को समझ आ रहा होगा। ये तो जो टाइप करें हमने वो तो करें यांत्रिक तरंगों के बारे में। अब जो बात करते हैं हम, अब बात करते हैं अयांत्रिक तरंगों की। अयांत्रिक तरंगों का हमने एक एग्जाम्पल लिखा था जिसको हम कहते हैं अयांत्रिक तरंगे। अयांत्रिक तरंगों का जो फेमस एग्जाम्पल मैंने एक ही बताया था, क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंगे। कौन सी तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे। विद्युत चुंबकीय तरंगों को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इनके बारे में कुछ खास बातें हैं, वो खास बात क्या है, सबसे पहली बात इनके बारे में आप जो नोट करेंगे वो क्या है कि इन तरंगों को चलने के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती, कहीं भी घुस जाएंगी बिना रोक टोक के।
एक्सरे, गामा रेज, ये सब इनके एग्जाम्पल्स में आती हैं। सारे एग्जाम्पल्स में अभी आपको लिखवाने वाला हूँ। दूसरी इनके बारे में खास बात क्या आती है कि अगर कोई पूछ ले कि एक्सरे की स्पीड क्या है, अगर आपको प्रकाश की स्पीड पूछ ले तो आपको सभी को पता है कि प्रकाश का वेग कितना है। प्रकाश का जो वेग है वो 3×10^8 मीटर पर सेकेंड है, सबको पता है। लेकिन अगर पूछ ले कि एक्सरे की स्पीड कितनी है, गामा रेज की स्पीड कितनी है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की स्पीड कितनी है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की स्पीड कितनी है, तो आपको पता नहीं होगा, क्योंकि इनकी जो स्पीड है वो भी इतनी ही होती है। ये जो तरंगे होती हैं, तो इनके बारे में जो खास बातें मैं बता रहा था उसमें से एक खास बात ये भी है कि सभी विद्युत चुंबकीय तरंगे प्रकाश की चाल से ही चलती हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात क्या है कि सभी विद्युत चुंबकीय तरंगे फोटोन की बनी होती हैं। फोटोन क्या होता है? फोटोन एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट होते हैं, मतलब कि गोल अपना अपना बंडल से बना के चलती है एनर्जी के सभी तरंगे, मतलब कहीं पे रेंज ज़्यादा कहीं पे कम, कहीं पे रेंज ज़्यादा कहीं पे कम, ऐसा होता है ना, सेम वैसे ही ये क्या करती हैं, एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट बना के चलती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। फोटोन के बारे में पूरा डिटेल में आने वाला है, ठीक है। और इनके बारे में खास बात क्या है कि जो ये इनकी जो तरंग दैर्ध्य होती है वो सबसे ज़्यादा लंबी होती है, और इनमें जो सबसे स्ट्रॉन्ग वाली जो तरंगें हैं वो गामा रेज हैं। कौन सी हैं? गामा रेज हैं। और इनके बारे में जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं कि इनकी खोज किसने करी थी, इनके यूजेज कहाँ किए जाते हैं। तो एक छोटी सी टेबल है, वो मेरे साथ साथ बनाते जाएंगे और बाद में उसका स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे, और जैसे ही मैं बनाऊंगा उसको साथ के साथ याद भी कर लेंगे। ये सभी विद्युत चुंबकीय तरंगों के एग्जाम्पल है। तो कैसे बनाएंगे? जैसे स्टार्टिंग में मैंने सीरियल नंबर लिख दिया, एक तो टेबल इधर ऐसे हो जाएगी, दूसरा इधर आप क्या लिखेंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे। यूज है जो वो मैं आपको बोल के लिखवा दूंगा सभी के, विद्युत चुंबकीय तरंगे। इस तरफ आप लिखेंगे उनकी आवृत्ति कितनी होती है, आवृत्ति होती है हर्ट्ज में, फ्रीक्वेंसी, और यहां पर आप उसके क्या लिखेंगे, यूजेज, ठीक है। तो सबसे पहले जो वेव आती है वो आती है गामा रेज। कौन सी रेज? गामा रेज, हिंदी में भी लिख सकते हैं गामा किरणें। गामा जो किरणें हैं इनकी जो खोज करी थी वो किसने करी थी? अच्छा, खोज वाला तो रह गया, तो यहाँ पे आप लिखेंगे, यहाँ पे जो दूसरा कॉलम है वो आप बनाएंगे किसका, इनके खोजकर्ता कौन है, इन्वेंटर कौन है, दूसरा फिर इनकी आवृत्ति क्या है, और तीसरा इनके यूजेज क्या है, ये बनाएंगे, ठीक है। तो जो गामा रेज है इनकी जो खोज करी थी वो किसने करी थी, इनकी जो, एक टेबल बनाने का मैं एक तरीका बता देता हूँ, याद करने का एक तरीका बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको इनके खोजकर्ता बता देता हूँ, आवर्ती का फिर मैं आपको तरीका बता देता हूँ कैसे लिखनी है इनकी। जो गामा रेज है उसकी जो खोज करी थी वो करी थी पॉल बिलियार्ड ने। किसने करी थी? पॉल बिलियार्ड ने करी थी। कई जगह पे बैकुरल भी लिखा मिलेगा, कई जगह पे बैकुरल भी लिखा मिलेगा, तो आपने क्या आंसर देना है, अगर बैकुरल नहीं है तो पॉल बिलियार्ड, और पॉल बिलियार्ड नहीं है तो बैकुरल, ठीक है। उसके बाद आती है एक्सरे। एक्सरे की खोज करी किसने करी थी? रोंटजन ने। किसने करी थी? रोंटजन ने करी थी। उसके बाद आती है यूवी रेडिएशंस। यूवी रेडिएशंस यानी पराबैंगनी किरणें, जो कि कहाँ से आती हैं? सूर्य से आती हैं, हानिकारक होती हैं। तो यूवी जो रेडिएशंस हैं, इन रेडिएशन इनकी किसने करी थी? विलियम हर्शक ने। किसने करी थी? विलियम हर्शक ने करी थी। नेक्स्ट आता है दृश्य विकिरण। दृश्य जो विकिरण है इनकी जो खोज करी थी वो किसने करी थी? न्यूटन ने। पांचवा जो आता है, कुछ छूट गया है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, दृश्य विकिरणें, अच्छा इनकी जो खोज करी थी वो किसने करी थी? इनकी विलियम हर्शक ने नहीं करी थी, इनकी खोज करी थी रीटर ने। किसने करी थी? रीटर ने करी थी। उसके बाद आती है अवरक्त किरणें। अवरक्त किरणों को कहते हैं इंफ्रारेड रेडिएशन। कौन सी? इंफ्रारेड रेडिएशन। इनकी जो खोज करी थी, इनकी करी थी विलियम हर्शक ने।
किसने करी थी? विलियम हर्शक ने। उसके बाद आती है लघु रेडियो तरंगे, लघु रेडियो तरंगे इनकी जो खोज करी थी वो करी थी डेनरिक हटेज ने, डेनरिक हटेज। और सातवें पे आती है दीर्घ रेडियो तरंगे, लॉन्ग रेडियो एक्टिव वेव्स, इनकी जो खोज करी थी वो किसने करी थी? मार्कोनी। याद रखेंगे गामा रेज की खोज किसने करी थी? पॉल बिलियार्ड ने करी थी। एक्सरे की खोज किसने करी थी? रोंटजन ने करी थी। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की खोज किसने करी थी? रीटर ने। दृश्य विकिरण विजिबल रेडिएशन की न्यूटन ने करी थी। अवरक्त इंफ्रारेड रेडिएशन की किसने करी थी? विलियम हर्शक ने। लघु रेडियो तरंगों की डेनरिक हटेज ने, और दीर्घ रेडियो तरंगों की मार्कोनी ने करी थी। अब इनके आवृत्ति की मैं बात करूं तो 10 की पावर 20 हर्ट्ज से लेकर 10 की पावर 18 हर्ट्ज तक होती है। इनकी 10 की पावर 18 से लेकर 10 की पावर 16 हर्ट्ज तक होती है। 10 की पावर 16 से 10 की पावर 14, 10 की पावर 14 से 10 की पावर 12, और 10 की पावर 12 से 10 की पावर 10, और 10 की पावर 10 से 10 की पावर 8, और 10 की पावर 8 से 10 की पावर 4। ये इनकी दो 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 कम करके लिखते जाएंगे, 10 की पावर 20 हर्ट्ज से लेकर आप शुरू कर देंगे और दो 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 कम करके क्या हर एक की लिखते चले आएंगे। अब बात आती है कि इनके यूज कहाँ किए जाते हैं। देखो सबसे पहले आती है गामा रेज। गामा रेज की जो बहुत ज़्यादा गर्म किरणें होती हैं इनका जो उपयोग है वो नाभिकीय रिएक्टरों में, भट्टियों में किया जाता है। बहुत बड़ी भट्टियाँ होती हैं जिनमें हम केमिकल्स वगैरह बनाते हैं, परमाणु वगैरह बनाते हैं, उनके बारे में उनको नोट करने के लिए इसका क्या किया जाता है? गामा रेज का प्रयोग किया जाता है। पूछ ले सबसे ताकतवर कौन सी, तो गामा है। उसके बाद आती है एक्सरे। एक्सरे की पता ही आपको, एक्सरे कहाँ यूज किए जाते हैं? चिकित्सा में यूज करे जाते हैं और इंडस्ट्रियल एरिया में भी यूज किए जाते हैं, औद्योगिक केंद्र में भी किए जाते हैं, और स्कूलों कॉलेजों में भी प्रैक्टिकल्स के लिए क्या करे जाते हैं? यूज करी जाती हैं एक्सरेज। अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस क्या होती है? ये हानिकारक विकिरणें होती हैं, इनका उपयोग बैक्टीरिया को मारने के लिए करते हैं। पूछ ले कि ये आती कहाँ से हैं? ये सूर्य से आती हैं। दृश्य विकिरणें का उपयोग हम लोग वस्तुओं को देखने के लिए करते हैं। अवरक्त किरणें इंफ्रारेड रेडिएशंस क्या होती हैं? इंफ्रारेड रेडिएशंस हमारे टीवी के रिमोट में होती हैं। दूसरा इनके बारे में क्या लिख सकते हैं? ये बहुत ज़्यादा जिस पर भी पड़ती हैं उसका जो तापमान है वो बढ़ जाता है, किसी वस्तु पर पड़ती हैं तो उसका तापमान क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। इसलिए इनका उपयोग कोहरे में फोटो लेने के लिए करते हैं, ठीक है। उसके बाद आती है लघु रेडियो तरंगे और दीर्घ रेडियो। रेडियो एक्टिव वेव्स के नाम से ही पता चल रहा है, रेडियो टेलीविजन हो गया, संचार के जितने भी कम्युनिकेशन के सिस्टम हो गए उन सभी में रेडियो तरंगों का उपयोग किया जाता है। दूसरा रेडियो तरंगों का उपयोग, जैसे कई बार आपने आजकल सिस्टम जो चला हुआ है कि हाईवे पर अगर आप ज़्यादा स्पीड से गाड़ी चलाते हो तो आपका चलान ऑटोमेटिक कट जाता है। उनको कैसे पता चलता है कि आपकी गाड़ी है वो इतनी स्पीड से चल रही थी? उन्होंने जो स्पीड मेंशन करी जाती है हाईवे पे, जैसे 60 किलोमीटर पर आवर तो गाड़ी के लिए होगी, 80 किलोमीटर पर आवर बड़ी गाड़ी के लिए होगी, बाइक के लिए होगी। जैसे अगर आप इस स्पीड से ज़्यादा चल रहे हैं तो उनको कैसे पता चल जाता है कि आपकी गाड़ी इतनी स्पीड से चल रही है, इतनी ज़्यादा स्पीड से चल रही है? तो वो कौन सी तरंगों का उपयोग करते हैं? वो रेडियो एक्टिव तरंगों का उपयोग करते हैं, जो क्या बताती है? सिग्नल्स बताती है कि आपकी गाड़ी कितनी स्पीड से चल रही है। आई होप सभी को ये टेबल याद हो जाएगी। आप इस टेबल का स्क्रीनशॉट ले लो, यूजेज मैंने आपको बता दिए हैं, सारे यूजेज आप सुन के लिख सकते हैं, लेक्चर को आप दोबारा भी सुन सकते हैं। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है तो कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, और ये लक्ष्य कैरियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अभी इसमें और चैप्टर भी बचा हुआ है तो वो हम पार्ट टू में करेंगे। ये हमारा पार्ट वन ख़त्म हो जाता है आज, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को बता दें कि भाई लेक्चर चले जा रहे हैं और आपका सिलेबस पीछे रह गया है, इसलिए उनको भी बोलो कि पिछले लेक्चर भी देखें, और साथ के साथ नए लेक्चर भी साथ के साथ आपको डेली दिए जाएंगे। तो आप सभी का थैंक यू।